पहले हम लोग बीडीपी पहुंच गए हैं, यानी कि भारत दर्शन पार्क। कहाँ पहुंच गए हैं भाई? भारत दर्शन पार्क में है भाई। हाँ, तो अभी हम लोग जाएंगे, टिकट लेंगे, टिकट काउंटर वो रहा अपना, और 150 रुपये टिकट है शाम की है। वैसे अगर नॉर्मली आप आते हो तो 100 रुपये टिकट है, पर मंडे को क्लोज है, याद रखें। तो अभी जा रहे हैं हम लोग टिकट लेने, उसके बाद बताते हैं आगे करना क्या है। तो ये है अपना टिकट काउंटर 1, 2, 3 एंड 4, और मंडे को क्लोज रहता है। टिकट हम ले चुके हैं, दोनों लोगों का अपना 300 रुपये पड़ा है, 150 रुपये पर पर्सन। शाम का जो है 150 रुपये है मेन रोड, और ये है मेन गेट भारत दर्शन के अंदर एंट्री करने। यहाँ से एंट्री करी है और यहाँ से अभी हम लोग अंदर जाएंगे, और ये है अपना गेट ऑफ इंडिया। बाकी का भी आपको बताते हैं ये किस किस चीज़ों से बना हुआ है। तो ये है अपना गेटवे ऑफ इंडिया जो कि है मुंबई में, और ये है गेटवे ऑफ इंडिया जो कि अपना दिल्ली में बनाया गया है वेस्ट ऑफ मटेरियल से। तो ये जैसे कि आप जानते हैं हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार इसे कहते हैं, और देखो आप ये है अपने हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार जो कि दिल्ली में बना दिया गया है। तो देख दिखाता हूँ अभी आपको भी पास से कैसा लगता है। गेटवे ऑफ इंडिया से एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें सारी प्लेसेस जो दे रखी हैं कि आपको किस साइड जाना है, और सारी लोकेशन के नाम यहाँ पे लिखे दिए। तो गाइज इसका नाम है बनियान ट्री जो कि वट वृक्ष कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं बनियान ट्री। तो ये गांव वगैरह में आपने देखा ही होगा, बाकी जो अपने दिल्ली में बनाया वेस्ट ऑफ मटेरियल से, जिसमें गैस सिलेंडर और कार स्टेयरिंग वगैरह का यूज़ करा गया है। यह है अपनी थर्ड लोकेशन जो कि है हवा महल। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती और बारीकी से ये हवा महल बनाया है। चीज़ें इतनी ज़्यादा यूनिक है कि पूछो मत। देख रहे हो ना यार, कितना ज़्यादा यूनिक बना रखा, कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया। तो गाइज ये है अपनी फोर्थ लोकेशन जो कि शायद कोई गुम्बद या फिर कुछ लग रहा है। रुको अभी इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं कि आखिरकार इसका नाम क्या है। क्या नाम है भाई इसका? गोल गुम्बद नाम है इसका। कहाँ पर है ये? वही मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ पर है ये? नमूना गोल सबसे बड़े गुम्बदों में से एक है ये। आज अपनी फिफ्थ लोकेशन है अपना दिल्ली का कुतुब मीनार। दिल्ली में कौन कहता है कि ये कुतुब मीनार बनाया, दिल्ली में तो दो दो कुतुब मीनार बने हुए हैं। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, लगता कुतुब मीनार से लोगों को ज़्यादा प्यार है। देख रहे हो ना हाइट भाई, पूरा रियल बना रखा है इसको, जैसा अपना रियल वाला कुतुब मीनार है ना, बिल्कुल। अब ये गेट भी है भाई, जाने देगा कोई इधर से अंदर? देख रहे हो ना, सच में भाई रियल वाली फीलिंग आ रही है इसको देख के। तो थक गए हैं या फिर जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनके लिए अलग से एक सिटिंग एरिया बना रखा है हर जगह पे, वहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, हर जगह सिटिंग एरिया बना रखा है। जो भी थक गया घूम फिर के वो अपना आराम से बैठो और नज़ारे लो। गाइस अपनी फाइनली बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि नालंदा विश्वविद्यालय हिंदी में कहते हैं जिसे, तो ये बिहार में है, और जो यहाँ पे बनाया गया इन दोनों में कंपेरिजन देखो। तेरे गाँव के पास है? अरे बहुत खूब भाई, मज़ा आ गया।
खूबसूरती तो सिर्फ अपने इंडिया में ही है, बाहर की चीज़ों में कहाँ है। अपने इंडिया में इतना सब कुछ है, फिर भी लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं यार। समझ नहीं आता कि क्यों जाते हैं। माना कि बाहर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बट अपने इंडिया किसी से कम थोड़ी है। मानना पड़ेगा भाई, हर चीज़ में आगे इंडिया, बस कोई कदर नहीं करता है। ये कौन सा मंदिर है यार, नाम नहीं पता इसका, पर मेरे को बाहुबली मंदिर है ये। यहाँ पे बच्चे सब घंटा वगैरह बजा रहे हैं, देख रहे हो ना, फुल मजे आ रहे लोगों को यहाँ पे। भाई साहब मौज कर दी भाई, मजा आ गया भाई इसको देख के। सच में यार बहुत ज्यादा डिटेल में बनाया है, बहुत ज्यादा। बजा बजा बजा, बच्चा डर रहा है। इसकी डिटेल्स जानी है तो यहाँ पे सारा कुछ इसके बारे में लिखा गया है। इसका मेन जो नाम है वो मीनाक्षी टेंपल है, जो कि मंदिर कहते हैं जिसे। कहाँ पर है ये, इसके बारे में तो मैं अभी इतनी जल्दी पढ़ के तो बताऊंगा नहीं। जिसको भी पढ़ना है इसके बारे में वो पोस्ट करना और पढ़ लेना इसके बारे में। और ये अपनी दिल्ली में बनाया है, सच में यार बहुत ज़्यादा। तमिलनाडु में बनाया गया ये भाई साहब। मदुरई में बहुत ज़्यादा मस्त है। डर के आगे जीत है। लिमका ले ले तो। जिसको भाई घूमते घूमते बहुत ज्यादा प्यास लगे वो लिमका पिए। मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ पर लिमका पिए। इस जगह का सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो है नाइट का। तो जितने कि अभी मैंने दिखाए थे आपको वो सारे डे के थे, बट ऐसा करूँगा कि मैं सबका जो क्या नाम है व्यू है ना नाइट का एक बार ज़रूर दिखाऊंगा। और बाकी के जो अभी रह गए हैं जो भी मतलब हेरिटेज या फिर जो भी वो उसे बोलते हैं, मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं उसे, बट उन्हें भी पहले दिखाता हूँ कि आगे और क्या क्या बचा है, उसके बाद सारा मैं कवर करूँगा नाइट का व्यू। तो अपनी अगली लोकेशन है वो है अपना बद्रीनाथ टेम्पल। वो कुछ इस टाइप का बनाया है, मेरे को तो बट जहाँ तक ये लगता है रियल में ज़्यादा बढ़िया है। देवताओं का निवास की यात्रा। और ये जो अपने दिल्ली में बनाया है बद्रीनाथ का टेंपल वो देखो, और जो देवताओं का मंदिर है मतलब निवास, और ये उत्तराखंड में बनाया गया है। पास से दिखाता हूँ ये कैसा लगता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी रियल में जो जैसा है वैसा तो नहीं बना सकते, बट इन्होंने पूरी पूरी कोशिश करी कि रियल बेस पे बना के दिखाएं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ये अगली लोकेशन है द्वारकाधीश मंदिर, जो कि है 2500 साल पुराना, हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर ये भी माना जाता है, क्योंकि तीर्थ यात्रा के दौरान यूज होता है। ये है द्वारकाधीश मंदिर, देख रहे हो ना द्वारकाधीश मंदिर, गुजरात में है, 2500 साल पुराना है, कृष्ण भगवान को समर्पित है ये वाला मंदिर, गजब। रह गई थी दिन में जो मैंने आपको दिखाया था, वो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी लगती हैं वो शाम को। पर भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अगर घूमने आना है तो यहाँ ज़रूर आना संडे को टाइम निकाल कर। कोशिश करना कि आप शाम को आएँ, शाम को जो व्यू है ना बहुत ज़्यादा तगड़ा है। बाकी के इधर मच्छर इतने ज़्यादा है ना, परेशान कर रखा है, वीडियो में शायद दिख रहे होंगे इधर इधर उड़ते हुए, बहुत ज़्यादा मच्छर है, बहुत ज़्यादा मच्छर घुस गया।
ये कुत्ता यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ भाई क्या हाल है मित्र, बस गलत काम मत करिए। मजे लेने हैं ना, बस रात को आना, बस नज़ारे देखो बस तुम। नज़ारे देखो, नज़ारे देखो। वो लोग पागल हैं जो दिन में आते हैं, असली मजे तो ना रात रात में ही है। खूबसूरती देखो यार बस तुम। अगली लोकेशन है मावत पैलेस। रात हो गई है बहुत ज़्यादा और अभी तक हम ये पूरा घूम ही नहीं पाए हैं। बीते युग का रूहानी सौंदर्य है और ये अभी इस टाइप का दिल्ली के अंदर बनाया गया है। अभी का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा लगता है ये। रात में तो उतना पॉसिबल नहीं कि ढंग से दिखा पाऊँ, बट पोज करना और इसे आराम से पढ़ना जो भी कुछ इसमें लिखा है इसके बारे में। तो गाइस अपनी नेक्स्ट लोकेशन है ये भी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। क्या आपको मैं बताता हूँ इसके बारे में, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सांची स्तूप। जो भी इसके बारे में पढ़ना है वीडियो को पॉज कर लेना, बाकी का आपको मैं दिखाता हूँ कितना ज़्यादा खूबसूरत है। मेरे को लगता है बौद्ध वगैरह से रिलेटेड है ये, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। लोग आए थे उस टाइम तो बहुत कम लोग आए थे, बट नाइट के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, बट भाई जब भीड़ ना हो तो फिर मज़े किस बात के हैं। बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं, अलग ही नज़ारा है रात को तो यहाँ का। लोकेशन अपनी रानी विक्टोरिया स्मारक, जिसको विक्टोरिया पैलेस भी कहते हैं, जो कि ये महारानी विक्टोरिया की स्मृति को समर्पित एक शानदार स्मारक है। बाकी का मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा लगता है रात में, बहुत ही ज़्यादा शानदार, बाकी नेक्स्ट लेवल व्यू है रात को। RGB कलर का भी यूज़ करा गया है इसमें, क्या ही लाजवाब। यह है अपनी नेक्स्ट लोकेशन जिसका नाम है हम्पी रथ। दिखाता हूँ आपको इसके बारे में होगा कि कैसा लगता है। अरे इतना ज़्यादा अच्छा कैसे बना लेते हैं यार,
ये अगर यहाँ ऐसा बना है तो रियल लाइफ में कितना ही ज़्यादा मस्त बनाया हुआ है ये, सच में यार बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है। मैं अंधेरे में देख पा रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा डिटेलिंग में इसमें काम कर रहा है। ठीक है, साइड व्यू दिखाता हूँ आपको कैसा लगता है। और ये कुत्ता यहाँ पे क्या कर रहा है? ये मुझे लग रहा है इन हाथियों को सपोर्ट कर रहा है रथ को खींचने में। देखो, देखकर तो समझ में आ ही गया होगा, ये हमने वेस्ट टू वंडर में भी देखा था। ये है ताजमहल आगरा का, आगरा की शान, और दुनिया के 7 अजूबे में से एक आता है ये। रियल लाइफ में आपने देखा ही होगा आगरा में ये है, जो लोग इंडिया में रहते हैं या फिर दिल्ली में या फिर जहाँ पे भी रहते हैं सबको पता ताजमहल कहाँ है। ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको और कुछ जानना है इसके बारे में तो डिटेल्स सारी यहाँ पे लिखी हैं। वीडियो को पोस्ट करना और आपको इसके बारे में पता चलेगा कि क्या क्या है। तो ये है अपनी नेक्स्ट लोकेशन जिसका नाम है कोणार्क मंदिर, इंग्लिश में से कोणार्क टेंपल कहते हैं, जो कि सूर्य मंदिर है। रियल लाइफ में ये कुछ ऐसा लिखता है, और अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो पॉज करें और या फिर स्क्रीनशॉट लें और इसके बारे में पढ़ें। पे इतनी सारी जगह है ना कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, और शायद ये विकास भी थक गया होगा, ये तो परेशान हो गया, कह रहा भाई वीडियो ना यहीं पे स्टॉप करते हैं और चलते हैं घर, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा वैरायटी दे रखी है ना इस जगह पर, हद से ज़्यादा। नेक्स्ट लोकेशन ये है, इसका नाम है अजंता एंड एलोरा। पता नहीं मैं प्रनाउंस ढंग से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बट रियल लाइफ में ये कुछ ऐसा दिखता है। और जो यहाँ पर बनाया गया है भारत दर्शन में वो कुछ इस टाइप का है, और अगर इसके बारे में भी अगर आपको जानना है तो वीडियो को पॉज करें और इसके बारे में पढ़ें। जो लास्ट लोकेशन है वो है खजुराहो टेंपल, इसको हम खजुराहो मंदिर भी कहते हैं। रियल लाइफ में ये कुछ इस टाइप का है, और जो भारत दर्शन में बनाया है वो कुछ इस टाइप का है। बाकी का अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो को पॉज करें और इसके बारे में जान सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हेलो, इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा थक गया था, कोशिश कर रही थी कि पूरा जो भी था इसमें सब कुछ शूट करने का। तो बाय बाय भारत दर्शन, मिलते हैं आपको फिर से अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय श्री राम।